जब ये घटना होगी, प्रशासन भी जाके देखा कि उसके घर में 1 किलो अनाज नहीं हुआ, प्रशासन को शर्म नहीं आई कि उसके घर में कम से कम 20 किलो हम चावल पहुंचा दें उस गरीब के घर में। दुर्भाग्य ऐसे सरकार पर, थूकता हूं ऐसे सरकार पर जो आम जनता, गरीब आम जनता का ख्याल नहीं रखती है। अभी उसकी पत्नी से मुलाकात हुई, रोने लगी कि क्या करें भाई साहब। बीते दिन गोड्डा के महागामा थाना क्षेत्र के कस्बा में हुए घटना ने जिले भर को झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद आरोपी पिता को पुलिस ने जेल भेज दिया और घर में बच गई वह बेबस लाचार मां और उसकी 3 मासूम बेटी। इस कांड के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कई बार पीड़ित नविता खातून ने बताया कि उनके घर में खाने को एक दाना अनाज नहीं था और पिछले 4 दिनों से पूरा परिवार आस पड़ोस से मांग कर अपना पेट भर रहा था। वहीं आज महागामा के पूर्व विधायक अशोक भगत पीड़ित से मिलने उनके घर पहुंचे और उन्हें आर्थिक मदद की। इसके साथ अशोक भगत ने बताया कि इतनी गरीबी होने के बावजूद भी अब तक पीड़ित नविता खातून के राशन कार्ड में घर के सभी सदस्यों का नाम जुड़ा हुआ नहीं था और ना ही उन्हें समय समय पर राशन मिलता था, जिसको देखते हुए उन्होंने उनके राशन कार्ड में सभी सदस्यों के नाम जुड़वाने का आश्वासन दिया। आज मैं गया, अमन बहुत दर्वित था, मोहम्मद गुड्डू नाम का व्यक्ति था, शराब पिए हुए था, इसमें दो मत नहीं, लेकिन उसके घर में 4 दिन से 1 किलो भी अनाज नहीं था कि अपने बच्चे का पेट पाल सके। माँ उसकी मांगने के लिए गई हुई थी मैं के कि कुछ वहां से अनाज लाएंगे तो बच्चे के लिए खाना बनाएंगे, लेकिन बच्चा भूख से तड़प रहा था, पिता को तंग किया तो वो गुस्सा में बच्चे का गला घूर दिया। हमको और कुछ नहीं करना, घटना होती हो गई, लेकिन दुर्भाग्य है कि 4 दिन से किसी के घर में खाना नहीं बन रहा है, उसकी महिला दर दर की ठोकर बन रही है, राशन कार्ड से राशन नहीं मिल पाया उसको, आधे अधूरे नाम है राशन कार्ड में, बच्चों का नाम नहीं है, कैसे चला रहा है सरकार। और उससे भी बड़ी बात है कि कल जब ये घटना होगी, प्रशासन भी जाके देखा कि उसके घर में 1 किलो अनाज नहीं हुआ, प्रशासन को शर्म नहीं आई कि उसके घर में कम से कम 20 किलो हम चावल पहुंचा दें उस गरीब के घर में, फिर उसकी जो व्यवस्था है वो हम करें, इस सरकार से क्या अपेक्षा रखें। अपनी जिम्मेदारी से सरकार गरीबों के प्रति ध्यान नहीं रख रही है, रोज हल्ला करता है कि हम ग्रीन कार्ड को 10 लाख ग्रीन कार्ड को हम चावल दे रहे हैं, वहां 1 किलो चावल नहीं मिला है, भूख से तड़प रहा है, ऐसे लोगों का पीड़ित की है सरकार को लगेगी। और दुर्भाग्य ऐसे सरकार पर, थूकता हूं ऐसे सरकार पर जो आम जनता, गरीब आम जनता का ख्याल नहीं रखती है। अभी उसकी पत्नी से मुलाकात हुई, रोने लगी कि क्या करें भाई साहब, 4-4 दिन से घर में अनाज नहीं है, मांग के लाते हैं तो खिलाते हैं, एक बार हम ही को अनाज मांग रहे थे, खाने के लिए चावल मांग रहे थे तो हम ही को जला रहा था, जला ही दिया था, बच गया। सरकार अभी भी चेते, ठीक है आप खूब राजनीति कीजिए, कोई अफसोस नहीं, राजनीति आप करते हैं करते रहिए, लेकिन समाज के अंतिम व्यक्ति का आप ख्याल नहीं रखते हैं और आप कहते हैं कि हम गरीबों की सरकार हैं, ऐसी सरकार पर लानत है मेरा। जब कोई घटना होती है तभी आप जैसे नेताओं का नजर उस पर क्यों पड़ता है, इससे पहले क्या आपको पता नहीं, आपका क्षेत्र रह चुका है महागामा कस्बा, कि ऐसे व्यक्ति भी हैं अंतिम व्यक्ति जिनके घर में खाना नहीं जुट रहा है। देखिए हम और आज के ऐसे आधुनिक युग में, देखिए जब मैं विधायक था 17,000 राशन कार्ड में मात्र 1 नाम था, मुझे जो सूचना विभाग ने दिया कि 17,000 राशन कार्ड में 1 नाम है और गोड्डा जिला में 88% लोगों को राशन कार्ड बन चुका था, 88% लोगों को, लेकिन मैं मामला इस विधानसभा में उठाया, सरकार को रघुवर सरकार को घेरा, घेर कर आदेश पारित करवाया और उस 17,000 राशन कार्ड को हमने यहाँ पूरे परिवार का नाम चढ़वाया। हम ये नहीं कहते कि समूचा सबका बनवा दिए, लेकिन 88 से 92% तक हम गोड्डा जिला में राशन कार्ड बना। अभी कैसे ऐसे लोग छूट जाते हैं? ऐसे लोग छूटे हुए थे, दो इस कार्ड में नाम था दो, लेकिन जो बच्चे इधर तो 4 साल के बच्चे हैं, उनके 3 साल के बच्चे हैं, उसका तो आधार कार्ड में नाम आना चाहिए था, आधार कार्ड उसका नहीं बन रहा, आधार कार्ड नहीं बना तो नाम राशन कार्ड में नहीं जुटा, तो सरकार जो है ये देखती क्या है, क्या चीज का प्रचार करती है,
गांव गांव में जाकर के जो ये ग्राम सभा करती है सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम, और कार्यक्रम के नाम पर केवल अबुआ अबुआ सबुआ चिल्लाती है, लेकिन किसी गरीब का राशन कार्ड में नाम जोड़ना है उसकी चिंता तो सरकार को नहीं है। उसकी कौन चिंता करेगा, वहां पर सुनने वाला कोई नहीं है। उसके जनता दरबार में कहते हैं सरकार आपके द्वार, और गरीब का सुनवाई नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हमने सारे को राशन कार्ड दे दिया था, कंप्लीट कर दिया, लेकिन जो बच्चे 4 साल के हैं, 3 साल के हैं, राशन कार्ड में नाम जुटना चाहिए ना। दुर्भाग्य सरकार का। सच्चाई यही है कि अब जितने भी पूरे प्रदेश में इन्होंने जो केवल अभी जनता सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम दो दो बार किया, लाखों रुपया खर्च किया इन्होंने, मुर्गा भात खाया, खसी भात खाया, और जिस पंचायत में मुखिया ने खसी भात नहीं खिलाया वहां का फार्म उठा करके इन लोगों ने फेंक दिया। यदि बोलते विपक्ष के नाते यदि बोलेंगे तो अगर विपक्ष का केवल यही काम है कि बोलना काम है, लेकिन विपक्ष जब भी उठा है कोई सवाल उठाता है तो जिम्मेदारी के साथ उठाते हैं। और हम जब शुरू से कह रहे हैं कि जनता दरबार में जनता ठगी जा रही है, अब वो आवास के नाम पर बबुआ बना रहा है लोगों को, और ये बबुआ बना भी रहा है। हेमंत सोरेन को केवल चिंता केवल यही है कि कैसे हम ईडी की गिरफ्त से बचें। रात दिन इसी फिराक में रहते हैं कि हम ईडी से बच जाए, लेकिन बचने वाले नहीं है। जो जो लूटा है वो जाएगा।